जेके खबर नाउ 24/7 में और मैं हूँ आपके साथ नेहा ठाकुर। हीरानगर शहर के आईटीआई में आज नशा मुक्ति सेमिनार का आयोजन हीरानगर के ग्रामीण विकास विभाग की सहायता से किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर हीरानगर के ग्रामीण विकास विभाग के पीडीओ राहुल गुप्ता ने भाग लिया, जबकि इस कार्यक्रम की अध्यक्षता आईटीआई के प्रिंसिपल रवि गुप्ता ने की। इस अवसर पर ग्रामीण विकास अधिकारी राहुल गुप्ता ने कहा कि गांवों में काम करने वाले चिकित्सक और अन्य सामाजिक कार्यकर्ता लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक करें, समाज में नशाखोरी के खिलाफ माहौल बनाने की जरूरत है। राहुल गुप्ता ने कहा कि नशा समाज के लिए बेहद खतरनाक है, इसलिए युवा पीढ़ी को नशीले पदार्थों के सेवन से दूर रहना चाहिए। नशीले पदार्थों का सेवन कानूनी अपराध तो है ही, साथ ही ये मानव के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव डालता है। इस बुराई को खत्म करने के लिए आम लोगों को पुलिस प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि नशे की बुराई के कारण ही समाज और परिवार में चोरी और झगड़ा जैसी वारदातें जन्म लेती हैं। इसलिए हम सबको मिलकर नशे का सेवन और तस्करी के खिलाफ अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करना चाहिए। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी गलत संगत में पड़कर नशे जैसी बुराई की चपेट में आ जाती है। नशे को छोड़ना कोई मुश्किल नहीं है, बल्कि दृढ़ निश्चय से नशे को आसानी से छोड़ा जा सकता है। इस अवसर पर सेमिनार से आईटीआई के प्रिंसिपल रवि गुप्ता ने भी सेमिनार में नशा विरोधी गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जनता के सहयोग से सब डिवीजन में विभिन्न नशा मुक्ति के कार्यक्रम आयोजित किए गए। उप थाना अध्यक्ष रतन शर्मा ने बताया कि पिछले माह हीरानगर थाना के अंतर्गत नशीले पदार्थों के मामले दर्ज कर कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान बीडीओ राहुल गुप्ता ने सभी को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई और अंत में आईटीआई के प्रिंसिपल रवि गुप्ता ने कार्यक्रम में शामिल होने वाले सब अधिकारियों और बच्चों का आभार व्यक्त किया। हीरानगर से श्यामलाल शर्मा की रिपोर्ट।